भारत में हम त्योहार नहीं मनाते हैं, हम मौसम मनाते हैं। ये होली का सिर्फ त्योहार नहीं होता है, होली का ये मौसम है, और आप सबको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ चीजें होती हैं जो परंपराओं में शामिल हो जाती हैं, कवि सम्मेलन उन्हीं में से एक है। आज तक के इस मंच पर हास्य का कवि सम्मेलन, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर, आप सबका भी बहुत स्वागत है, सबको बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले जिस कवि को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, दरअसल डॉक्टर लिखते हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, कवि भी हैं, गिनते जाइए किरदार, और यूं कहें हम कि अच्छा पद्मश्री भी हैं, हम यूं कहें कि मुश्किल है इनकी गिनती प्रिय, और माइक कर रहा है विनती प्रिय। स्वागत कीजिए डॉक्टर सुनील जोगी का। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होली का ये शानदार त्यौहार जिसे सारी दुनिया मनाती है, उसे हम आज तक जैसे प्रसिद्ध न्यूज चैनल के माध्यम से मना रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरे हिंदुस्तान को, और कहता हूं कि होली हमारे देश की पहचान बन जाए, होली हमारे देश की पहचान बन जाए, ये आन बान और हमारी शान बन जाए, भरे पिचकारियों में पानी कुछ ऐसे तीन रंगों का, जो कपड़ों पर गिरे तो पूरा हिंदुस्तान बन जाए। ये रंग बरसेगा दीवानों की यहाँ टोली है, रंग बरसेगा दीवानों की यहाँ टोली है, बुरा न मानिए होली है यार, बुरा न मानिए होली है यार, होली है हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है, कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं, इन्हीं भक्तों में हनी प्रीत भी मिल सकती है, न पपीते से न एप्पल से फायदा होगा, न पपीते से न एप्पल से फायदा होगा, इश्क का रोग है चप्पल से फायदा होगा, बुरा न मानिए होली है यार होली है, बुरा न मानिए होली है यार होली है, बुरा न मानिए, उसकी नजरों को मैं खतरे की तरह लगता हूँ, उसकी नजरों को मैं खतरे की तरह लगता हूँ, हो के सागर उसे खतरे की तरह लगता हूँ, मुझे मालूम न था बाप कसाई है तेरा, मैं उसे ईद के बकरे की तरह लगता हूँ, मैं उसे ईद के बकरे की तरह लगता हूँ, बुरा न मानिए होली है यार होली है, जाके मठ मंदिरों में पाप बदल लेते हैं, अपनी सुविधा से ये आलाप बदल लेते हैं, आप भोले हैं पार्टी की बात करते हैं, लोग कुर्सी के लिए बाप बदल लेते हैं, बुरा न मानिए, बुरा न मानिए, बुरा न मानिए होली है यार होली है, बुरा न मान, अब मोहब्बत कहाँ आंखों में जगमगाती है, अब मोहब्बत कहाँ आंखों में जगमगाती है, ये वो बुलबुल है जो शहरों में नहीं गाती है, ये वो बुलबुल है जो शहरों में नहीं गाती है, ये लड़कियां भी अमीरों पे नजर रखती हैं, ये लड़कियां भी अमीरों पे नजर रखती हैं, जेब खाली हो तो बुढ़िया भी नहीं आती है, बुरा न मानिए, बुरा न मानिए, बुरा न मानिए होली है यार होली है, बुरा न मानिए होली है यार होली है, बुरा न मानिए, चोर हर दम पर आए धन पे नजर रखते हैं, चोर हर दम पर आए धन पे नजर रखते हैं, बुजुर्ग लोग भी चौबन पे नजर रखते हैं, तमाम लोग जमाने में ऐसे होते हैं, छोड़ के बीबी पड़ोसन पे नजर रखते हैं, बुरा न मानिए होली है यार होली है, बुरा न मानिए होली है यार होली है, रंग बरसेगा दीवानों की यहाँ टोली है, बुरा न हमारे प्यार को आसान बना रखा है। आखिरी लाइन पे आपके हाथ उठे, मैं देखता हूँ,
कि हमारे प्यार को आसान बना रखा है, हमारे प्यार को आसान बना रखा है, बगैर चीनी का पकवान बना रखा है, बगैर पीनी के पकवान समझ रखा है। मैं तुझे जीत के ले जाऊंगा मोदी की तरह, तुम्हारे बाप ने इमरान समझ रखा है। मैं तुझे जीत के ले जाऊंगा मोदी की तरह, तुम्हारे बाप ने पुराना मानियो। होली है रंग बरसेगा दीवानों की यहाँ टोली है, बुरा न मानिए होली है यार, होली है बुरा न मानिए होली। ये गीत मेरा एक अनुराग कश्यप जी की फिल्म आई थी मुक्काबाज, उस फिल्म का टाइटल सॉन्ग था ये। लेकिन अब मैं जो सुनाने जा रहा हूँ ये इसका, जैसे फिल्में होती हैं ना दबंग वन दबंग टू, इसी तरह मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये पार्ट टू है। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ, तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ, तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्बरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे, सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, तुम गठबंधन की रबड़ी हो, मैं तो मिट्टी का ढेला हूँ, तुम हो पवार सी पावर में, मैं फड़नवीस का चेला हूँ, तुम अंबानी की बरकत हो, मैं जीडीपी का मारा हूँ, तुम ममता जैसी गुर्राती, मैं तो लालू बेचारा हूँ, तुम कश्मीर की घाटी हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ, तुम संविधान का संशोधन, मैं फंसा हुआ रोहिंगा हूँ। ज्यादा बोला तो मोटा भाई भिजवा देंगे जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार, सब लोग गाइए। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम एक्सप्रेसवे सी सुंदर हो, मैं खेतों की पगडंडी हूँ, तुम हो शोरूम ज्वेलरी का, मैं खाली सब्जी मंडी हूँ, तुम शादी की शहनाई हो, मैं मैयत वाली पुंगी हूँ, तुम अमित शाह की जैकेट हो, मैं चिदंबरम की लुंगी हूँ, तुम अमित शाह की जैकेट हो, मैं चिदंबरम की लुंगी हूँ। हम अगर नोटबंदी जैसा कोई भी कदम उठाएंगे तो अर्थव्यवस्था डूबेगी, हम मंदी में फंस जाएंगे, फिर बैठे हैं विपक्ष वाले हाथों में लिए गुलेल प्रिय। मुश्किल है तुम वायुयान से उड़ती हो, मैं तो बस टांगे वाला हूँ, तुम जियो का नेटवर्क और मैं बीएसएनएल का ताला हूँ, तुम हो सिगार लंदन वाली, मैं तो बीड़ी का बंडल हूँ, तुम हो श्रेया घोषाल और जानू मैं रानू मंडल हूँ, तुम हो श्रेया घोषाल और जानू मैं रानू मंडल हूँ, तुम डोमिनोज का पिज्जा हो, मैं छोला कुलचा ठेले का, तुम डोमिनोज का पिज्जा हो, मैं छोला कुलचा ठेले का, तुम महलों की शहजादी हो, मैं चौकीदार तबेले का, तुम सारा का शोरूम लगो, मैं पटरी वाली सेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये तुम हो जसलीन जलीटा सी, मैं तो एक सिक्का खोटा हूँ, तुम हो जसलीन जलोटा सी, मैं तो एक सिक्का खोटा हूँ, तुम उड़न तस्तरी जैसी हो, मैं बिन पेंदे का लोटा हूँ, तुम अंबानी की दौलत हो, मैं झुग्गी की आबादी हूँ, तुम पुलिस हैदराबादी हो, मैं लॉकअप का अपराधी हूँ,
तुम हो कोका कोला जैसी, मैं तो बस नींबू पानी हूँ। तुम मोदी जी की किस्मत हो, मैं बेचारा अडवानी हूँ। तुम मोदी जी की किस्मत हो, मैं बेचारा अडवानी हूँ। तेरी गलियों में बेचूंगा असली सरसों का तेल, प्रिय मुश्किल है अपना मेल, मुश्किल है अपना मेल, ये प्यार नहीं है खेल। प्रिय तुम कैपुचिनो की कॉफी हो, मैं हूँ टपुरी की चाय। प्रिय तुम सिविल सर्विस की टॉपर, मैं सप्लीमेंट्री हाय। प्रिय तुम व्हाट्सएप हो, तुम ट्विटर हो, मैं तो बस एक फटीचर हूँ। तुम ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, मैं तो हिंदी का टीचर हूँ। तुम शहद सरी की मीठी हो, मैं तो हूँ कड़वी नीम। प्रिय तुम हनी प्रीत सी लगती हो, मैं तेरा राम रहीम। प्रिय मैं मस्त गुफा में रहता था, अब पड़ा हुआ हूँ जेल। प्रिय मुश्किल है अपना, मुश्किल है अपना मेल। प्रिय ये प्यार नहीं है। तुम बुलेट ट्रेन सी लगती हो, मैं बिन पटरी की रेल। प्रिय मुश्किल है नहीं है खेल। प्रिय मुश्किल है अपना मेल। प्रिय ये प्यार नहीं है। देखो कुर्सी की बलियारी, होली खेलो रसिया। देखो कुर्सी की बलियारी, होली खेलो रसिया। हाथों में लेके पिचकारी होली। देखो कुर्सी की बलियारी, होली हाथों में लेके पिचकारी होली खेलो रसिया। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की उड़ गई खिल्ली। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की उड़ गई खिल्ली। मफलर वाले बाबा देखो जीत के ले गए दिल्ली हो। मफलर वाले बाबा देखो जीत के ले गए दिल्ली। रोए कांग्रेस बेचारी होली। हाथों में लेके पिचकारी होली खेलो रसिया। एक नेता ने भंग चढ़ाकर कुर्सी को रंग डाला। एक नेता ने भंग चढ़ाकर कुर्सी को रंग डाला। बोला प्यारी तुझको ही पहनाऊंगा वरमाला, तू ही है बीबी सरकारी होली। हाथों में लेके पिचकारी होली। दिल्ली में दंगे हो, दिल में ख्वाब लिए बैठे थे। दिल्ली में दंगे हो, दिल में ख्वाब लिए बैठे थे। पार्षद तक छत के ऊपर तेजाब लिए बैठे थे उनकर। पार्षद तक छत के ऊपर तेजाब लिए बैठे थे उनकी। मिलकर करो सवारी होली। हाथों में लेके पिचकारी होली खेलो रसिया। महाराष्ट्र में तो पवार ने ऐसी पलटी मारी। महाराष्ट्र में तो पवार ने ऐसी पलटी मारी। फडणवीस के ऊपर उदौ लीला पड़ गई भारी। फडणवीस के ऊपर उदौ लीला पड़ गई भारी। टूटी 30 साल की यारी होली खेलो रसिया। हाथों में लेके पिचकारी होली खेलो रसिया। मैं देश के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और आज तक के माध्यम से आपकी तालियां सरहद तक पहुंचाना चाहता हूं, आपकी दुआएं सरहद तक पहुंचाना चाहता हूं। कि उनके लिए दुआ करिए जो रंगे बसंती टोली। उनके लिए दुआ करिए जो रंगे बसंती टोली। जो सरहद पर खेल रहे हैं अपने खून से होली। उनकी जो सरहद पर खेल रहे हैं अपने खून से होली। उनके लिए बजा दो तारी होली। हाथों में लेके पिचकारी होली खेलो रसिया। देखो कुर्सी की बलियारी, कुर्सी की बलियारी होली। होली होली खेलो रसिया। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। आज तक नमस्कार। हास्य का कवि जब कविताएं सुनाता है तो लोगों को बड़ा मजा आता है, तालियां बजाते हैं। लेकिन अब हम स्वागत करने वाले हैं एक ऐसे कवि का जो माइक पर आते हैं और हंसी के हसगुल्ले छूटने लगते हैं। स्वागत कीजिए बेमिसाल कवि शंभू शिखर का। आज तक के माध्यम से होली की मस्ती पूरे देश में छाई हुई है। पूरी देश दुनिया होली के रंगों में सराबोर है और होली के इस हास्य भरे माहौल में चार लाइनें मैं जहां से शुरू करना चाहता हूं। होली पर क्या होता है?
कि बुढ़िया भी लग रही है जो चंचल सी हसीना। थोड़ी दाद मिले आप लोगों की, आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने के लिए ही आए हो। बूढ़िया भी लग रही है जो चंचल सी हसीना, जैसे कि स्वर्ण मुद्रिका में कोई नगीना। हर ओर मौज मस्ती है, रंगों का जोर है, अपना तो वैलेंटाइन है फागुन का महीना, अपना तो वैलेंटाइन है फागुन का महीना। लेकिन इस फागुन की मस्ती में एक कोरोना वायरस घुस गया है। लेकिन कोरोना पर हमने देखा तरह तरह के उपचार बताए जा रहे हैं। एक उपचार तो यह भी बताया गया, मैं चार लाइनें सुनूंगा। कोई मुझसे सांवला या सलोना नहीं होगा, लोटे को पटकने से भगोना नहीं होगा, ठेके पे जितने लोग घूमते हैं शान से, किडनी तो फेल होगी कोरोना नहीं होगा, किडनी तो फेल होगी कोरोना नहीं होगा। और चार लाइनें सुनिए आनंद के लिए। दुश्मन जो देश का हो उसे एक रपट दूं, कुश्ती नहीं आती है उसे फिर भी पटक दूं, घबराए नहीं देश की जब तक है बिहारी, कितने ही कोरोनों को मैं जुल्फों में झटक दूं, कितने ही कोरोना को मैं जुल्फों में झटक दूं। और आज तक के माध्यम से चार लाइनें कि सुरसा की तरह ये तुझे डकार डालेगी, कर रेशा रेशा तेरा तार तार डालेगी, इतरा न कोरोना तू अपनी जीत पे अब तक, भारत की मीडिया ही तुझे मार डालेगी, भारत की मीडिया, भारत की मीडिया ही। और मस्ती में आइए। जीवन में मौज मस्ती व आनंद हो गया, आया कोरोना अपना दुखड़ा मंद हो गया, लड़की जो हमसे हाथ मिलाएगी नहीं अब, सीधे गले लगाने का प्रबंध हो गया, सीधे गले लगाने का प्रबंध। और अभी ट्रंप जी आए थे भारत, उनके आने से पहले मैंने उन्हें कुछ कुछ सलाहें दी थी कि लालू से मिलो वो कहीं बिहारी ना कर दे, जनता यहाँ की तुमको भिखारी ही ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना आप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे। और यह मंच बहुत बड़ा है इसलिए चार लाइनें विशेष। होली का है मौसम तो तरंगों की बात हो, मन में हो उमंगों की पतंगों की बात हो, लड़ने झगड़ने से न मिला है न मिलेगा, दंगों की नहीं अब यहाँ रंगों की बात हो, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया, अभी केजरी से हारे हैं तिवारी, अभी केजरी से हारे हैं तिवारी, किया होली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। आशा राम राम फल और फलाहारी बाबा आजकल जेल में राम राम जपते, हाथों में गुलाल लिए डेरे वाले झूठे बाला, हनीप्रीत 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 रटते, राधे माँ को गोद में ले इच्छाधारी, राधे माँ को गोद में ले इच्छाधारी किया होली खेले रसिया, राधे माँ को गोद में ले इच्छाधारी किया होली खेले रसिया।
लाल रंग पीला रंग बैंगनी व नीला रंग उस पे गुलाबी मट मैला चमकीला रंग अंग पे लगाओ मत कपड़े भिगाओ पिया छूटे ना छुड़ाए रंग इतना हठीला रंग। ट्रंप से ये बोल रही ट्रंपाइन ट्रंप से ये बोल रही ट्रंपाइन आजा इंडिया में पी ले थोड़ी वाइन आजा इंडिया में पी ले थोड़ी वाइन और करे ना कोई भी डील साइन। होली के आगे है फीका वैलेंटाइन किया होली खेले रसिया होली के आगे फीका वैलेंटाइन किया होली खेले रसिया दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया हर रंग में रंगी हो फुलवारी किया होली खेले रसिया। आभार धन्यवाद आप सबके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं धन्यवाद जय हिंद। अब लेकिन जिन्हें हम यहां मंच पर बुलाते हैं नाम में उनके भोला है लेकिन हास्य व्यंग का ऐसा चोला है कि अच्छे अच्छों का मन डोला है। दरअसल साहित्य में व्यंग पैरोडी के एक अद्भुत रचनाकार हैं। स्वागत कीजिए हास्य व्यंग के सबसे लंबे कवि सुदीप भोला जी का। मैं होली की आपको शुभकामनाएं देता हूँ, वो चुनावी होली है। शुरू उससे करता हूँ, अभी आपने देखा चुनाव परिणाम आए दिल्ली के दिल्ली के चुनाव परिणाम आए और होली आई तो मुझे गीत याद आया। हर होली में वो गाना सबसे ज्यादा बजाया जाता है, रंग वर्षे भीगे चुनर वाली। इसमें दिल्ली का पूरा चुनाव परिणाम छुपा हुआ है, मैं सही बता रहा हूँ। अब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने संजीव कुमार की पत्नी को बाहर से समर्थन दे रखा था तो इसमें कांग्रेस अमिताभ बच्चन समझ लीजिए, रेखा को आप आम आदमी पार्टी समझ सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हालत संजीव कुमार जैसी थी। एक बार तालियां बजाइए, मैं शुरू करता हूं, सुनिए। हाँ रंग बरसे भीगे है राजधानी रंग बरसे, अर सर जी ने मारी पिचकारी झाड़ू वाली रसिया हो कंग रसिया हो तंग रसिया। अब साथ होना, हो रंग बरसे भीगे है राजधानी रंग बरसे के रंग बरसे भीगे है राजधानी रंग बरसे के पंजे ने थाली में के पंजे ने थाली में अंडा परोसा पंजे ने थाली में अंडा परोसा हाँ खाए के जरी बाल बीजेपी तर से रंग बरसे हाँ रंग बरसे भीगे है राजधानी रंग बरसे। बिजली और पानी का अरे बिजली और पानी का बीड़ा उठाया बिजली और पानी का बीड़ा उठाया हाँ पूरा दवा लिया माल भाजा पतर से रंग बरसे आ रंग बरसे भीगे है राजधानी रंग बरसे आ रंग बरसे भीगे खत्म। तालियां जरा भरपूर दीजिए एक बार आगे से पीछे तक सारे। मैं प्रतिगीत लिखता हूँ, प्रतिगीत में अपनी बात कह देता हूँ। बहुत सारे नए नए गाने आए हैं, एक नए गाने पर बिल्कुल एक ताजी तरीन पैरोडी सुनाता हूँ। कोरोना वायरस पर बहुत सारी बातें हुई, मिक्स है इसमें सब कुछ, सुनिए। के गोरी गोरी छोरी रे गोरी गोरी छोरी खड़ी है कोरी कोरी के गोरी गोरी छोरी खड़ी है कोरी कोरी गलियों में छोरे मनाते फेरे होली। गोरी के गोरे गाल देख कर कुछ नहीं बोला तू कितना भोला तू रे भोला भोला तू। गोरी गोरी छोरी खड़ी है कोरी कोरी गलियों के छोरे मनाते फेरे होली। गोरी के गोरे गाल देख कर कुछ नहीं बोला तू
रे भोला भोला तू, के कोरे कोरे गाल हैं उसके, कोरे गाल हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू, के कोरे कोरे गाल हैं उसके, कोरी कोरी ड्रेस है, कोरे कोरे गाल हैं उसके, कोरी कोरी ड्रेस है। और अगर सही सही तुलना कर दूं तो आशीर्वाद देना, आज मतलब ये नहीं कि हाँ के सिर पे हाथ रख दो, के कोरे कोरे गाल हैं उसके, कोरी कोरी ड्रेस है, इतनी साफ रखी है जैसे दिल्ली में कांग्रेस है, तू हो जैसे सेना मानेगी तेरा कहना, हर फन मौला तू, के भोला भोला तू, रे भोला भोला तू, अपने रंग में रंग ले उसको, भरना केवल आह तू, अपने रंग में रंग ले उसको, भरना केवल आह तू, एमएलए एमपी होगी वो, सोच ले की शाह तू, एमएलए एमपी वो होगी, सोच ले है शाह तू, तू भर पिचकारी दिखा दे कलाकारी, चल रंग चोला तू, के भोला भोला तू, कितना भोला तू। अब जिसको रंगना चाहता था वो मान गई, लेकिन बोली क्या, पहले अपने हाथ पे थोड़ा सैनिटाइजर धरो ना, हाइजेनिक लड़की हूं बोली, हो ना जाए कोरोना, कि पहले अपने हाथ पे थोड़ा सैनिटाइजर धरो ना, हाइजेनिक लड़की हूं बोली, हो ना जाए कोरोना, रंग ना मना है ना टच ना मना है, प्रयोग है के रंग ना मना है ना टच ना मना है, चल खिला दे गोला तू, भोला भोला तू, रे भोला भोला तू, खत्म, ताली बजाओ एक बार मिलके, बहुत अच्छे, थैंक यू। इस चैनल की तरफ से अपने सारे कवि परिवार की तरफ से आपको दिल से होली की शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे रंग, जितने भी रंग मुमकिन हैं, सब यहां पर एक एक करके बिखर रहे हैं। लेकिन अब मुझे निदा की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना है कई बार देखिए। तो नहीं, इसके कहने के पीछे एक वजह है, क्योंकि अब जो हमारे पास, हमारे बीच, हमारे मंच पर आने वाले हैं, उन्हें 50 बार भी सुन लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इनकी ओरिजिनल वाली आवाज थी कौन सी। स्वागत कीजिए दीपक सैनी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई कविताओं के माध्यम से, बहुत सारा ज्ञान भी आपको दिया गया। श्वेता जी, एक सबसे ज़्यादा ज्ञान की बात मैं आपको देता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम में इससे ज़्यादा ज्ञान की बात मिलेगी नहीं, मेरा दावा है। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज़ बनाई मनुष्य, मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज़ बनाई कवि कलाकार, कवियों में सबसे बढ़िया चीज़ बनाई अच्छे अच्छे कवि, और अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज़ बनाई हैंडसम कवि। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता है। ये बाकी सारे हैंडपंप रखे हुए हैं, इधर कोने में तो बोरवेल बैठा हुआ है पूरा, जिसको गिरना इसी में गिर जाओ। सेटिंग कितनी जबरदस्त है श्वेता जी, देखो उधर पहले एक गंजा बैठा हुआ था, फिर एक बाल वाला, फिर एक गंजा, फिर एक बाल वाला, क्या जबरदस्त सेटिंग है आपकी। शंभू चला गया, अच्छा ही किया, वो अकेला ऐसा आदमी है श्वेता जी जो मास्क लगा के अच्छा लगता है। बहुत सारी टेंशन की बात देश भर में चल रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हम दिल्ली वाले हैं, हम टेंशन लेते नहीं हैं। हमारा टेंशन भाई साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा टेंशन क्या बिगाड़ेगी, हमने तीसरी बार टेंशन को मुख्यमंत्री बना दिया है। टेंशन ही है वो, उनको सुबह किस बात पे नाराज हो जाए, उनके बच्चों को नहीं पता, उनका सच बता रहा हूं, उनका 5 साल से एक ही काम है, अब दोबारा वही शुरू हो गया। सुबह सुबह उठो, नहा दोगे, शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा इसको, ठीक कर दूंगा, एक बार दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। तो
ट्रंप जी भारत में आए, ट्रंप जी को पता है कि भाई इंडिया है, इंडिया में अलग अलग तरह की भाषा है, मैं इंग्लिश ऐसी बोलता हूँ कोई समझ नहीं पाते यहाँ लोग, तो उन्होंने सेटिंग कर ली मोदी जी से, बोले मैं बीच बीच में गले मिलता रहूंगा, मुझे बताते रहना कहाँ फाउल किया है। तो ट्रंप जी ने जैसे बोला माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, मोदी जी ने गले मिला, गले मिलते बोला मोदी होता है मोदी नहीं। दिल्ली का चुनाव भी खत्म हो गया, दिल्ली इलेक्शन में आपको पता है क्या नतीजे आए, तो मैंने फोन मिलाया अन्ना हजारे जी को, क्योंकि सबसे ज्यादा वही थे जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने अन्ना जी से बात की, आपको लगे अन्ना जी आज तक स्टूडियो में आ गए तो मुझे बताना, मैंने अन्ना जी से बात की, मैंने कहा अन्ना जी आप बताइए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जीत गए क्या कहना चाहेंगे। मैं समझता हूं भारत में बहुत अच्छा हो रहा है, विकास होना है। मैंने कहा जी अरविंद केजरीवाल जीत गए क्या कहना चाहेंगे। आज तक बहुत बड़ा चैनल है, नंबर वन चैनल है। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जीत गए क्या कहना चाहेंगे आप इस पे। ट्रंप आए हैं तो अच्छा ही होगा। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जीत गए उस पे क्या कहना चाहोगे। जो मेरे नहीं सुनता मैं उसका नाम नहीं सुनता। बहुत सारे नेताओं से मेरी बात होती है, जैसे कि श्वेता जी ने बताया, बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री में करता हूँ। इस होली पे मेरी बात राजनाथ सिंह जी से हुई, मैंने राजनाथ जी को बताया मैं आज तक पे जा रहा हूँ प्रोग्राम में, तो राजनाथ सिंह जी ने आपके लिए मैसेज दिया है। भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ कि आज तक के माध्यम से देश का इतना बड़ा चैनल है, पूरे देश को होली की अनंत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। आप होली मनाइए, जी भर के मनाइए, रंगों का त्यौहार है, पूरे देश में रंगीन कर दीजिए। उनका अपना स्टाइल है, लेकिन हर नेता का क्या है, नेताओं ने टेंशन दे रखी है पूरे देश को, लेकिन कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। नेताओं को बहुत टेंशन दी भाई साहब, पर यह नहीं पता लगता कांग्रेसियों को ज्यादा दे रहे हैं कि भाजपा वालों को ज्यादा दे रहे हैं, पर वो देते हैं। अभी मैम दिल्ली में एक योगा, उन्होंने अपना पूरा मंच वंच सजाया हुआ था, योग सिखा रहे थे बाबा, बहुत सारे लोग ऐसे सामने बैठे हुए थे, अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी, किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या, नीचे बैठ जा कपाल भाती कर रही है। तभी उनके पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने बाबा मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है क्या करें बताओ। कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करें, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करें। तब एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा। करता जा पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया, तुम सारे यहां बंद हो फैलाएगा को। और चलते चलते अंत में मेरी मोदी जी से बात हुई, मैंने मोदी जी को बताया कि आज तक पे मैं जा रहा हूं, तो मोदी जी ने आज तक पे सबके नाम संदेश दिया है। आप ये मानना कि मोदी जी यहां पे आ गए और आपसे बात कर रहे हैं, जरूरी है मित्रों भी तो कह सकते हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। भाइयों बहनों, मेरे देश का सबसे बड़ा चैनल है, सामने विद्यार्थियों का इतना बड़ा पैनल है, और मेरी तरफ से आप सबको होली की अनंत शुभकामनाएं। आप सबको गुलाल लगाना है, लेकिन दूर से लगाना है, कोरोना चल रहा है, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मन से सुना, मेरी तरफ से आज तक देखने वाले करोड़ों दर्शकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मैं कहूं कि आपको रिक्शे पे एक ट्रक को रखना है, रख सकते हैं, खिलौने का होगा तो रख सकते हैं, नहीं नहीं अगर कहें कि हवाई जहाज को ही रख दीजिए वो भी नहीं कर सकेंगे, वो भी खिलौने का ही रख सकेंगे। लेकिन एक कवि है जो अपनी कविताओं से ऐसा कर देते हैं नामुमकिन को मुमकिन, स्वागत कीजिए उनका तालियों के साथ, नीर गोरखपुरी, हास्य व्यंग की धुरी। आज तक चैनल को होली के इस विशेष कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज होली का कार्यक्रम है और होली के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया कवि सम्मेलन। जोगिरे से शुरुआत करते हैं और जोगिरा बिल्कुल आप मस्ती में सुनिए, क्योंकि मैं ज्ञान की भगवान कसम एक बात नहीं कहूंगा, मैं ज्ञान की कोई बात नहीं कहूंगा, सुनिए आप
कि राजनीति में प्यार मोहब्बत का है गजब सरूर, राजनीति में प्यार मोहब्बत का है गजब सरूर, उम्र हो गई पचपन की पर मन है शशि थरूर, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब अगला देखिए, अब अगला जोगीरा थे राहुल गांधी पे। अच्छा, राहुल गांधी जी हमारे कमाल के नेता हैं साहब, अभी हुए थे जहाँ दंगे हुए वहाँ पर पहुँचे थे, तो कुछ वहाँ पे मामला गड़बड़ाया तो जो पैरामिलिट्री फोर्स, उन्होंने कहा सर पीछे हो जाओ हम लाठी चार्ज करेंगे। देखिए भैया आप ऐसा नहीं कह सकते, कह रहा साहब पीछे हो जाओ हम लाठी चार्ज करेंगे। देखिए भैया आप ऐसा नहीं कह सकते, ये लो पावर बैंक। अच्छा देखो, मैं कमाल का आदमी, मैं कभी भी कोई काम की बात बोल सकता हूँ, ऐसे सारी बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो वहां पर राहुल गांधी, मैंने कहा कि राहुल बाबा बोल रहे मोदी हो गए फेल, अरे राहुल बाबा बोल रहे मोदी हो गए फेल, अरे हम बोले तुम पोगो देखो रहने भी दो खेल, सगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। क्या बिगाड़ लगा हमारा कोरोना। मैंने भी पूछा, मैंने कुछ नेताओं से पूछा मैंने कोरोना के बारे में, हमारे दिल्ली के केजरीवाल भी आए और केजरीवाल साहब से मैंने पूछा, मैंने साहब आप सत्ता में हैं कोरोना पे क्या करा आपने, कोरोना आपको कुछ करना चाहिए, आपने क्या किया इसमें, तो केजरीवाल साहब कहते हैं फ्री। केजरीवाल साहब का मैंने मतलब, हमने कहा था जी, हमने चुनाव से पहले कहा था जी सब फ्री कर देंगे, सब फ्री कर देंगे, हम सब फ्री कर देंगे भाई साहब, इलाज फ्री कर दिया तो कुछ तो बीमारी भी देनी थी फ्री, तो हमने कोरोना फ्री कर दिया साहब, हमने कोरोना फ्री कर दिया। मैंने यार इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, इनको निपटाओ। फिर मैंने आगे पूछा साहब, आगे मैंने राजनाथ जी से पूछा, अभी राजनाथ जी की मैंने आवाज़, ये अभी मेरे से कहता रीर भाई तुम्हारी आवाज ना 40% राजनाथ की तरह मिलती है, राजनाथ जी की तरह, और मेरी 60% मिलती है। तो मैंने कहा यानी मेरी ज़्यादा मिलती है, तो कह रहा क्या मतलब यार, तुम्हारी 40% मिलती है मेरी 60% मिलती है, तो यार मैंने कहा 40% मेरा ये भी तो मिलता है। तो राजनाथ जी से मैंने पूछा, मैंने राजनाथ जी ये कोरोना आगे भारत में क्या करना चाहेंगे, तो कहते हैं आदरणीय महोदय। तो मैंने कहा यार यहाँ पे लोकसभा थोड़ी है सर, यहाँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय का क्या मतलब, कहता अच्छा महोदय। मैंने महोदय नहीं सर, महोदय महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है, ये जो भारत में कोरोना आया है मैं इसकी निंदा करता हूं। तो मैं सर निंदा ही करनी थी तो कांग्रेस की निंदा की स्पेलिंग गलत थी, निंदा तो कांग्रेस भी कर रही थी साहब। तो मैंने कहा यार यहां से भी कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं राहुल गांधी जी के पास गया, मैंने राहुल जी कोरोना आ गया आप कुछ करो, आप इसका कोई तो हल निकालो, दिल्ली में कोरोना आ गया कोई तो हल निकालो। तो राहुल जी अलग कहते हैं, देखिए भैया दिल्ली में हमसे एक सीट तो निकली ना, कोरोना का हल कहां से निकाल दे, तो ये अपने बस की नहीं है हल निकालना। तो मैंने फिर मुलायम सिंह से पूछा, मैंने मुलायम जी आपके पास, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, भारत के पहले नेता जिन्होंने कोरोना वायरस की तारीफ करी, बड़ा चंबा दीपक सुनना ध्यान से, मुलायम सिंह जी कोरोना की तारीफ कर रहे हैं। मैंने मेरे से मैंने पूछा मुलायम जी कोरोना के बारे में क्या करने, कह रहे बढ़िया कोरोना, बढ़िया कोरोना, अच्छा है बढ़िया। मैंने क्या बात बढ़िया है कोरोना, आवाज देखो पूरे भारत में हर आदमी मुंह पर मास्क लगाए फिर रहा हो, ऐसा लग रहा पूरा भारत पढ़ लिख के MBBS बन गया, सबके पास MBBS की डिग्री आ गई, अंगूठा छाप भी डॉक्टर बने फिर रहा, इसका फायदा। मैंने कि और क्या फायदा, हमारी पुरानी संस्कृति वापस आ गई, पुरानी संस्कृति वापस आ गई। कहता हाँ देखो अब आदमी हाथ ना मिला रहो, सीधा तो पैर छू रहा हो जा नमस्ते कर रहा हो। तो मैंने अच्छा और क्या फायदा, कहता और देखो सबसे बड़ा फायदा इसका, हम सतयुग में आ गए। मैंने सतयुग में कैसे आ गए, और देखो तरह तरह का मास्क चल रहा है, वो नोक वाला मास्क चल रहा हो देखा तुमने, मैंने हाँ, कह रहे नोक वाला मास्क से ऐसा लग रहा हाँ आदमी जटायु बनो फिर रहा हो, हर आदमी जटाव बनो फिर रहो। तो कोरोना का जो देखो कोरोना का फायदा, हमारी संस्कृति आ गई, हर आदमी पढ़ लिखा होगा, सरकार की साक्षरता ऐसी निपटेगी, और तो कोई हम तरीका है ना पढ़ाई लिखाई करवाने का। तो एक तो जो तो पढ़ाई लिखाई हो गई, साक्षरता हो गई, सतयोग आ गया, जो फायदा कोरोना का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।